बंबई, इस शहर से कितना कुछ है पाया, था फटे हार में बंबई आया। अगर दिल से मांगो तो बंबई सब कुछ देती है, सपने साकार कर देती है, सबको उधार देती है, हौसला अपार देती है, जीवन सवार देती है, यारों को यार देती है, मारों को प्यार देती है, दो को चार देती है, पैदल को कार देती है, उड़ान को संसार, दिल को दिलदार और फन को फनकार देती है। ये बंबई दिल से मांगो तो सब कुछ देती है। पैर चमकनी चाहिए। हाँ जी, समझा जी। यार बंबई में तेरा क्या हाल होगा? बहुत फास्ट लाइफ है बंबई की, यही गति रही ना तेरी, एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा तू। पता है तू जितना टाइम यहाँ बाइक धोने में लगा रहा है ना, इतने टाइम में सर्विसिंग हो जाती है पूरी गाड़ी की। बेटे आदमी बम्बे में कभी थकता नहीं है, बस दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और यहाँ सब साले थके हुए कुएं के मेंढक। चल चल, देख मत, हाथ चला, हाथ चला। वो देख स्पोक्स। अरे बाबा, आप भी ना, कितनी बार आपको समझाया है कि बिना वॉकर के मत चला कीजिए। लेट जाइए आराम से, भी लेट जाइए, मैंने आपको पकड़ा है। हाँ सुनते नहीं हो मेरी बात को आप। बेटा आज बंबई जा रहे हो क्या? आज नहीं, कल जा रहा हूं। अरे यार छोटू, चल ना यार, कितना टाइम लगा रहा है तू। सब 2 महीने का पगार, टीचर सब पगार 2 महीने का, 2 महीने का पगार। क्या 2 महीने का पगार बाकी है? जब देखो पैसा पैसा पैसा। बाइक धोना याद नहीं रहता है तुझे, पगार हमेशा याद रहता है। ये ले, रकाबी के लिए सब 20 रुपए। अरे छोटू टिप है, मलई समझ के खा ले। हाँ दूध बाद में ले जा, चल हट, मेरे को जाने दे अभी। शाम को मिलता हूँ, शाम को आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ यार। अरे चाचा, अरे फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, बस आती होगी, डरना मत। फायर ब्रिगेड? अरे कहाँ आग लगी? अरे चौंकते क्यों हो, 3 हॉट लौंडे एक साथ बैठे, आग तो लगेगी। वो देखो बेड के पीछे से धुआं निकल रहा है, आग लगी।
और ये तो अपने सरपंच जी है, कोई मीटिंग चल रही है। सरपंच जी, अरे नमस्ते, कैसे हो? बस बस बस, आपकी कृपा। जीते रहो। सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया है। क्या बात है। हाँ, इसके लिए मीटिंग बुलाई है। वाह वाह वाह। अरे महेश, हाँ? तुम्हारे बिरला जी से कुछ डोनेशन की बात चलाओ ना, आखिर किस काम आ जाए तुम्हारी कंपनी। इनकी कंपनी तो सिर्फ महिलाओं के काम आती है। क्या बात कर रहे हैं आप सरपंच जी? आप बस हुक्म कीजिए, सरकार कितना चाहिए मैं करवा दूंगा। 4-5 में हो जाएगा ना? 4-5 करवा दूंगा। 1000? हाँ, लाख नहीं। चलता हूँ। जाने क्या मुसीबत आ पड़ी है, आज सिर्फ 3 लीटर दूध दिया है। इस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत है, राम जाने इस भैंसे को क्या हो गया है। राधा, महेश आ गया क्या? देखती हूँ। हाँ, रेशमा की दुकान पे खड़ा है। अरे 1-2 रुपए की बात होती तो ठीक होता, लेकिन 75 रुपए कोई होते है कि नहीं? सुपरमार्केट तो है नहीं, छोटी सी दुकानदारी है हमारी, क्या चाहिए? अरे वो शांता का लड़का है ना। कौन सा? छोटा वाला। हाँ। उस दिन तो डिब्बे में हाथ डाले ही जा रहा था। क्या बात कर रही हो? अरे तुम्हारा लड़का है, खुद रोको। भाभी आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखवा दो, चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे अनपढ़ है देहाती कहीं के। हाँ वो भी सही है। अच्छा कल मीटिंग को क्यों नहीं आया? कल? हाँ वो हेड ऑफिस गया था ना, मैं बहुत दिन से बुला रहे थे मुझे। क्यों? वही रिपोर्ट पूछ रहे थे। क्या है भाभी, जब से मैंने काम संभाला है ना, 3 गुना बढ़ गए ग्रुप। अब कोई भी नई पॉलिसी शुरू करने से पहले मुझसे पूछते हैं। अच्छा है भाई। सच बताऊं भाभी, इन छोटे शहरों में ना इंसान की वैल्यू करने वाले बहुत कम लोग हैं। जैसे बंबई है ना, वहां हर आदमी की वैल्यू होती है। आप बस मेहनत करते जाओ, पैसा बरसेगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जा। आऊंगा बाद में। अच्छा है भाई, आते रहियो। राधा एक प्लेट में बिस्किट कर दे जरा। राधा बिस्किट। राधा अच्छा लड़का है ना। आ जाओ मौसी, आ जाओ। महेश बेटा कैसे हो? बस बढ़िया हूँ एकदम। और बाबा कैसे हैं? ठीक है वो भी। अरे बिस्किट तो ले। हाँ? हाँ? ये ले। अरे ये वाली ले, बहुत बढ़िया। ये वाली? हाँ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं। वाकई में बढ़िया है। मैंने कहा था ना। अच्छा मौसी ये बताओ, तुम्हारी भैंस को हुआ क्या है? अरे पता नहीं,
बुखार सा लगता है। पता है तुझे, सिर्फ 3 लीटर दूध दिया है इसने आज। क्या बात कर रही हो, सच्ची में? हाँ। कोई बात नहीं, उसमें पानी मिला दो, हो जाएगा 10 लीटर। तेरे मजा करने की आदत गई नहीं ना। क्या करूं? चाय बढ़िया है। अरे वो तेरी कल वाली मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग? हाँ। अरे पूछो मत मौसी, इतनी बढ़िया रही, इतनी बढ़िया रही। एक प्रेजेंटेशन दिया था मैंने उनको। अच्छा? 100 लोग होंगे वहाँ पे। बताऊँ, जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, ये तालियां बजी है, रुकने का नाम नहीं ले। अरे इससे तो तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या होता है, आप बस किस्त भरते रहो, मेरा प्रमोशन होता जाएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं तो भूल ही गई। क्या इस तरह? पता ना, मुझे ही पता है किस तरह मैंने किस्त जमा करे रखे है। हाँ वो भी है। बेटा इस बार बहुत मुश्किल से किस्त जमा करे है मैंने। ओहो मौसी, इतना क्यों परेशान होती हो? मुझसे नहीं होता तो तुम्हारा ग्रुप भर देगा तुम्हारी किस्त। नहीं नहीं, अपनी जिम्मेदारी अपने सर। वैसे भी कर्जा घर बैठे बेटी की तरह होती है, जब तक ब्याह हो जाए जी को चैन नहीं आता। ये बात तो सही कही तुमने। हेलो। लो, अब तुम ही संभालो इसे। धन्यवाद। अरे गिन तो लो। अरे मौसी, 1000 बार तो तुमने गिना होगा। तुमने गिना, मैंने गिना, एक ही बात होगी। फिर भी तसल्ली करना चाहती हो तो गिन लो दोबारा। अरे नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, गिन लो। अरे नहीं, गिन लो ना। अरे नहीं बाबा, रख ले। हाँ नमस्ते सर जी, बस आप ही को फोन करने वाला था मैं। हाँ नहीं, तैयारी तो जारी है मेरी जी, बिल्कुल। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ सर, मैं आपको आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ दोबारा। जी 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 बिल्कुल, बस 10 मिनट दीजिए। हाँ ठीक से जाना बेटा। हाँ बिल्कुल मौसी, चिंता मत करना। अरे महेश बेटा, वो रसीद भी देते जाना। रसीद भिजवा दूंगा मैं। हाँ अभी थोड़ा जल्दी मैं हूँ, इसलिए चलता हूँ। अच्छा चलो मौसी। अच्छा बेटा। जी जी जी, बस वही गिन रहा था मैं। हाँ मेरे ख्याल से लगभग पूरे हो गए। सर मैं एक बार गिन लूँ और आपको कॉल कर लूँ। ओके 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 सर, ओके। चले तो सच में? नहीं नहीं, झूठ मत बोल। क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिनों बाद मैं जमा कर दूंगा। दरअसल ये बाबा के इलाज के। बाबा के इलाज के लिए तो तू बाइक क्यों खरीदी तूने? नहीं दादा, इतने पैसे मैं 2 हफ्ते में कमा लूंगा बंबई जाके। अकेले जा रहा था ना? लक्ष्मी दीदी। अरे रेशमा। प्रतिभा कैसे हो? अरे दीदी। हाँ वो जरा बात करनी थी। हाँ हाँ आ जाओ, बैठ जाओ। कैसे है प्रतिभा? अरे दुकान पे सब ठीक है ना? हाँ थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? दीदी महेश आया था ना? हाँ। तो
तो रसीद देकर गया? अरे नहीं, भिजवा देगा। क्या इस बार भी उसने रसीद नहीं दी? अरे दे देगा, वो कहाँ भागे जा रहा है। वो शांता के ग्रुप में 2 महीने से रसीद नहीं दी, ये भाग गया तो नहीं जाएगा, यही तो रहता है। तू मुझसे भी झूठ बोल रहा था ना? रहा था, तू समझ नहीं रही है बात को। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और तुझसे शादी करके तुझे रखूंगा कहाँ? बंबई जाके घर भी तो होना चाहिए ना अपना एक। राधा, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूं। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ठीक है, देखो लक्ष्मी, स्वतंत्र वालों ने पहले ही कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए रसीद जरूर लेना। पैसे का मामला है, भरोसा ना रखे तो ही बेहतर होगा। अरे वो दे देगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर लूंगी। कब करोगे बात? अभी करो ना, स्वतंत्र वालों को कंप्लेंट कर देंगे। ये भी कोई बात हुई भला? कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कह रही है ना, वो बात कर लेगी करके। तो करो ना बात। अरे कर रही है ना, रुको दीदी, आप कर लो बात। करो क्या? करो अभी। हाँ अभी करो, अभी ना कर लो। पता है एक बार मैं बंबई गई थी बचपन में बाबा के साथ, और वहां हमने वो भी खाई थी, चौपाटी पे भेल। अच्छा तो देखना, अपना बंगला भी वही चौपाटी पे होगा, रोज शाम को बेल खाएंगे दोनों। राधा, मुझे अभी जाना है, तो तू भी अभी घर जा। महेश। हाँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ बाइक पे? चलूंगा ना, तुझे भी साथ लेके चलूंगा, पर अभी मुझे जाने दे। महेश, अभी भागोगे तो हमेशा भागते रहोगे। भागना आसान है महेश, टिकना मुश्किल। मैं तो हमेशा कहती थी आपको तो लीडर ही नहीं बनना था। नहीं तो क्या, स्वतंत्र वालों ने पहले ही बोला था रसीद हाथ के हाथ में लेना। अब बेवजह की हो गई ना सबको परेशानी। काहे की परेशानी हुई? हाँ काहे की हुई परेशानी, वो बात कर रही है ना। पैसे तो इन्हीं के पास थे, हमें क्या पता दिए भी या नहीं। क्या कहा? अब तो स्वतंत्रता वाले देखेंगे, हम क्या कहे। अरे तो मेरे से चाहिए ना, मिल जाएगी। अरे क्यों देखो दीदी, अभी चाहिए। अरे पैसे के बारे में सारे क्या कह रहे हैं, मेरे से पैसे का बात करो। पहले नहीं कभी हुआ क्या? नहीं हुआ, आप बैठो तो बैठो। एक एक पाई करके समय है, मेरा कुछ चाहिए। नहीं आप कुछ नहीं,
बैठ के बात करो। अच्छा तो क्या मेरे कुट में आ रहे पैसे? बात का पतंगड़ मत बनाओ। अरे सबके मेहनत के पैसे थे। रसीद है क्या? हाँ। लो। तो मेरी आज बंबई जा रहे हो बेटा? अभी नहीं। Dee da dee da da dee da da da.